हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम AGA इंटरनेशनल कंपनी के बारे में बात करेंगे, यानी ये कौन सा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, किस तरीके से बेहतर है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो AGA है क्या बेसिकली? तो AGA जो कंपनी है वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि रेगुलेटेड है, ठीक है। और इसकी सर्विसेज क्या क्या हैं ये इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, तो लास्ट तक देखना यार, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। AGA इंटरनेशनल जो है आपको सबसे अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस करता है, यानी ये बोलता है कि आपको बहुत अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि यार ये नया प्लेटफॉर्म है और नए प्लेटफॉर्म जो भी आते हैं ना अपग्रेड के साथ आते हैं, कुछ वर्जन्स होते हैं, कुछ नई चीज़ें इसमें ज़रूर आपको मिलती हैं। तो यार जो प्लेटफॉर्म है ये क्या किस तरीके से वर्क करता है? सो गाइज, बेसिकली AGA जो है आपको तीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ऑफर करता है, जिसमें से MetaTrader 4 जो है वो सबसे पॉपुलर है। जैसे कि MetaTrader 4 यानी MT4 हम भी यूज़ करते हैं, कोई भी इंडिकेटर हम जो अप्लाई करते हैं तो MT4 में यूज़ करते हैं। प्लस एक ब्रांड न्यू जो प्लेटफॉर्म है वो भी आपको AGA प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स यार, मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज कि AGA का नया ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म जो है उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो लोगो दिख रहा है आपको AGA का, इस पर क्लिक करना है आपको। फ्रेंड्स, इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करना है, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं इस वेबसाइट पे तो ओपन ए न्यू अकाउंट पे क्रिएट करना है। बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है और जल्दी से आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। इसमें मैं अपनी जो डिटेल्स है वो फिल करके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे नीचे आप एक डिफरेंट टैब देख पा रहे होंगे जहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं। तो जो अकाउंट टैब है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर देख सकते हैं, अकाउंट नाम देख सकते हैं, मतलब अकाउंट नेम देख सकते हैं, और यहाँ पे एक आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कैलेंडर का। तो कैलेंडर आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, तो आपको पता है यार न्यूज़ इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे जो मार्केट पे, हमारी ट्रेड पे। तो यहाँ से आप न्यूज़ इम्पैक्ट देख सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ हाई, लो और मीडियम, यानी चेक कर सकते हैं न्यूज़ जो चल रही है पर्टिकुलर करेंसी पे वो हाई है, लो है, मीडियम। यहाँ पे आपको एक न्यूज़ का टैब भी मिलेगा जहाँ पे आपको लाइव न्यूज़ मिलती रहेंगी अपडेशन के साथ। नेक्स्ट जो टैब मिलेगा वो मिलेगा आपको मार्केट चैट का, जहाँ पे आप अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ चैट कर सकते हैं या आप देख सकते हैं उनकी चैट, बेसिकली क्या वो बात कर रहे हैं क्या नहीं। नेक्स्ट टैब आप देखेंगे पोजीशंस का, तो पोजीशंस में आप अगर कोई ट्रेड ओपन करते हैं यहाँ पे, तो जब आप कोई ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे उसकी पोजीशंस आप देख सकते हैं कि आप उसमें प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। नेक्स्ट टैब जो है वो आपको मिलेगा ऑर्डर्स का, तो वहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी अपने ट्रेड्स की। नेक्स्ट टैब उसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो में आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रियल अकाउंट डेमो अकाउंट से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंटल विंडो, तो यहाँ पे आप अगर फॉरेक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कम्योडिटीज और इंडेक्सेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। चलो यहाँ पे फॉरेक्स को सेलेक्ट करते हैं, तो फॉरेक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप एक लंबी लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं फॉरेक्स के करेंसीज का, जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करें कमोडिटीज़ की, तो यहाँ पे आप गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक सेटिंग का बटन देख पा रहे हैं, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं गियर आइकन पे, तो वहाँ से आप इंस्ट्रूमेंटल सब्सक्रिप्शंस की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे करेंसी पेयर्स देख पा रहे हैं, तो कौन सी करेंसी पेयर आपको अपने इंडेक्सेस में देखनी है, आपको अपने इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग्स में देखनी है, तो वो आप यहाँ से चेकबॉक्स को अनटिक और टिक करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया है, क्योंकि मुझे इन दो करेंसी पे ही ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने जो इंस्ट्रूमेंटल का जो इनबॉक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंटल करेंसीज दिखेंगी। ये जो पैटर्न है जो मैंने अभी आपको फॉलो करके दिखाया है, ये सेम आप कम्योडिटीज और इंडेक्सेस के साथ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप प्राइस चार्ट कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का जो साइन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है माउस पॉइंटर से। यहाँ पे चार्ट ऑप्शन के नीचे आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जीबीपी यूएसडी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे फॉरेक्स में इसी में ट्रेड लेनी है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ट्रेड लेनी हो। मुझे यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए ट्रेड लेनी है, तो यहाँ पे मैंने जो टाइमिंग है अपनी 15 मिनट्स के लिए सेलेक्ट कर ली है। आप चाहो तो कितना भी टाइम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आपके चार्ट का टाइप भी, यानी आपका कैंडल्स के टाइप को भी आप चेंज कर सकते हैं। मुझे बार पसंद है तो मैंने बार कर लिया। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। बाद आपको जो क्लिक करना है वो ऐड चार्ट पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे, जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बार चार्ट ओपन हो गया। अगर आपको किसी भी टाइम लगता है कि आपको अपना जो पैटर्न है उसको चेंज करना है, तो ऊपर एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, वहाँ से जाके आप कैंडलस्टिक पैटर्न इसको चेंज कर सकते हैं।
गियर आइकन जो देख पा रहे हैं आप, इस पे आप क्लिक करके किसी भी टाइम आप जो है टाइम चेंज कर सकते हैं, आप करेंसी चेंज कर सकते हैं, सारे जो ऑप्शन हैं आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बार, लाइन, आप कुछ भी यहां से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चेक कर पा रहे हैं, ये यूरो यूएसडी का डेली करेंसी चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आप इसको जूम आउट और जूम इन कैसे करेंगे, तो आपका जो माउस होता है, माउस का जो मिडल व्हील होता है, उसको आप प्रेस करके आगे ऊपर इधर उधर आगे और पीछे की तरफ करेंगे, तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। कभी करके देखना, अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पहले का चार्ट देखना होगा, हिस्टोरिकल चार्ट अगर आपको चेक करना है, यानी पहले क्या करेंसी रही है, किस तरीके से फ्लो रहा है चार्ट का, तो आप इसको प्रेस करके, अपने क्लिक को प्रेस करके थोड़ा सा इसके स्लाइड करेंगे तो आप पीछे का भी देख पाएंगे, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आप चेक कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो इसके मुझे लगी वो ये कि ईच एंड एवरी कैंडल स्टिक, आपको ये जो कैंडल्स दिख रही है ना, किसी भी कैंडल्स के अगर ऊपर आप माउस लेके जाओगे तो उसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। प्लस अगर MT4 में हम यही चीज़ करते हैं तो वहाँ पे हमको एडिशनल सेटिंग्स करनी पड़ती है कैंडल्स के ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जानने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस इंटरफेस में आप डायरेक्टली जस्ट आप माउस के कर्सर को लेके जाइए किसी भी कैंडल के ऊपर और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये क्लोज कहाँ हुई थी, नेक्स्ट कैंडल ओपन कहाँ हुई थी, प्राइस रेंज क्या था, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या था, कितने पिप्स का प्रॉफिट है, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगी। बॉटम ऑफ द चार्ट, चार्ट के बॉटम में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात एक और ये है कि यहाँ पे आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हैं। AGA प्लेटफॉर्म आपको अनेबल करता है कि आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स आप आराम से आओ भाई यहाँ पे यूज करो। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा जो चार्ट है उसके एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो इसे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई करके देखते हैं। आज हम एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो इसका पीरियड जो है वो 25 सेलेक्ट कर लिया है मैंने, और यहाँ पे उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आता है। चलिए फ्रेंड्स यार एक और इंडिकेटर इसमें यूज कर लेते हैं। तो इस बार हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, इस बार यूज करेंगे मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन का जो इंडिकेटर है वो। इसकी हम डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यूज करेंगे, यानी कि इसकी जो सेटिंग्स है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम यहाँ पे इंडिकेटर्स को अप्लाई करते हैं, लेकिन AGA प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम इंडिकेटर्स को रिमूव कैसे करते हैं वो अभी चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, गियर आइकन यानी सेटिंग वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको जो भी इंडिकेटर आपने अप्लाई किया हुआ है, वहां पे जैसे मूविंग एवरेज हमने अप्लाई किया हुआ था, वहां पे जाना है, उस पर क्लिक करना है और नीचे जो रिमूव का बटन दिखेगा उस पर कर देना है क्लिक। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इंडिकेटर को अप्लाई करना और रिमूव करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम आप क्या करने वाले हैं, फिबोनाची के यूज करके हम उस चार्ट को चेंज करेंगे। तो डेली फ्रेम जो है हमने एक मिनट का सेट कर, इसको माफी चाहूंगा, एक दिन का सेट कर लिया है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट में हम किसी भी कैंडल के ऊपर अपने माउस को लेके जाते हैं तो उसका ओपन, हाई, क्लोज, डाउन का जितने भी पॉइंट होते हैं ना, ओपन, क्लोज और डाउन अप के जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे हमें पता लग जाते हैं प्राइस रेंज के साथ। तो चलिए यार फिबोनाची के चार्ट को अप्लाई करते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम गए गियर आइकन पे और यहाँ पे हम इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है फिबोनाची का इंडिकेटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाई स्विंग की वैल्यू होती है, एक लो स्विंग की वैल्यू होती है जो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पे, अपडेट चार्ट पे और देखेंगे उसके बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब लास्ट जो सेक्शन बचता है हमारे पास इस वीडियो का, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू ओपन अ ट्रेड विथ AGA प्लेटफॉर्म। प्लस हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं मैन्युअली, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस किस तरीके से सेट करते हैं। के लिए मैं जो यूज करने वाला हूँ वर्चुअल अकाउंट यूज करने वाला हूँ जिसके अंदर $10,000 का बैलेंस है। क्लिक करना है आपको किसी भी करेंसी पेयर पे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जिट टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने का ऑप्शन है। स्टॉप लॉस जो है मैं सेलेक्ट करूंगा 1.2725। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेलेक्ट करना है। आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एग्जिट टारगेट और टेक प्रॉफिट एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे मैं जो सेलेक्ट करूंगा वो करूंगा 1.2785।
सिंपली उसके बाद आपको बाय या सेल पे क्लिक करना है कि ये जो मार्केट है आपको क्या लगता है ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो बाय पे क्लिक करना है या सेल पे क्लिक करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप देख पाएंगे आपके ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रेड लगी हुई दिखाई देंगे। एक बार आप ट्रेड ओपन कर दोगे तो पोजीशंस वाले सेक्शंस में जाओगे तो वहां पे आपको जो आपकी ट्रेड ली है अपने पर्टिकुलर करेंसी पे वो आप देख पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रीन सेक्शन मिलता है, ग्रीन पे जाते हो तो उसका मतलब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपको रेड दिखेगा यहाँ पे इनिशियल तो इसका मतलब आपको लॉस में। तो फ्रेंड्स अगर आपको कभी भी किसी भी टाइम पे लगता है कि आपको स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट चेंज करना है तो आप यहाँ पे साइड में एक बटन देख पा रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कभी भी चेंज करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो जो ट्रेड है आप मैन्युअली उसे क्लोज कर दो तो यहाँ पे एक क्लोज पोजीशन का एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, इस पर आपको करना है क्लिक और आपकी जो ट्रेड है वो मैन्युअली इसी टाइम पे क्लोज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करूंगा एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा हुआ होगा आपको और प्लेटफॉर्म जरूर पसंद आया होगा। और इतना जरूर बताना चाहूंगा यार अगर आपको कोई भी इशू आता है रिगार्डिंग दी प्लेटफॉर्म तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट वेबसाइट पे, यानी आप वेबसाइट पे जाके उनकी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई इश्यू आता है, या आप नीचे एक ईमेल एड्रेस देख पा रहे होंगे उस ईमेल एड्रेस पे आप मेल करो, बहुत ही जल्दी एज सून एज पॉसिबल यहाँ पे आपको सपोर्ट टीम आपको जो है आंसर प्रोवाइड करेगी। यार एक बात और बताना चाहूंगा यार, वीडियो पूरी देख ली है, मजा आया आया जरूर होगा आप लोगों को वीडियो में, तो यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाना अगर बिल्कुल न्यू हो तो। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कंटेंट के साथ।